शांति। मुरली तारीख 15 जुलाई 2023। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुली व सच्चे दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। प्रश्न, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते हो? उत्तर, बाबा अभी जल्दी करो, अभी हम घर चलें, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते, तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो। अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। इस समय तुम ऊंचे ते ऊंचे बने हो। सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी, देवी संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं, इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते। मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है, तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी है, कर्म करते याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, हम रूहानी यात्रा पर हैं, इसलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल बाप की याद में निरंतर रहना है, याद का रजिस्टर ठीक रखना है। वरदान, निरंतर योगी और पवित्र बन सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य दो वरदान प्राप्त होते हैं, एक सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। जो यह वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वह 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर के योगी होते हैं। पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र और सर्व विकारों को विदाई देने वाले। ऐसे नहीं कभी क्रोध या मोह आ गया, कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा, कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप हैं और सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप हैं। स्लोगन, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा, शुभ भावना और शुभ कामना का बीज ही है निमित भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं लेकिन निर्माण। कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सभ्यता की निशानी है निर्माणता। यह निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। ओम
शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।